नमस्कार, मैं विवेक श्रीवास्तव। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा सभी राजनीतिक दल चुनावी बिसात पर अपने अपने मोहरे सेट करने में लग गए हैं। हर पार्टी अपने एजेंडे के हिसाब से कदम बढ़ाना शुरू कर दी है। बयानों का दौर भी शुरू हो गया है, दौरों का भी दौर शुरू हो गया है। अभी 15 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर थे। कांग्रेस कहाँ शांत बैठने वाली, ठीक उसके अगले ही दिन पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंच गई। यहाँ भी उन्होंने धरना प्रदर्शन, अगले दिन वो लखीमपुर खीरी गईं। अब मायावती कहाँ चुप बैठने वाली थी, मायावती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाला और अपने राजनीतिक एजेंडे को लगभग खुलासा कर दिया। दरअसल मायावती 2007 के अपने सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को ट्यून कर उन्होंने उसी को ट्यून किया है, और जिस ब्राह्मणों के भरोसे वो 2007 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ यूपी की सत्ता में आई थी, उन्होंने वापस उन्हीं ब्राह्मणों को अपने पाले में फिर से लाने की जुगत शुरू कर दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि पार्टी ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने के लिए अब ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन करेगी, जिसकी शुरुआत अयोध्या में रामलला के दर्शन के साथ होगी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा इसकी शुरुआत करेंगे। आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं। यूपी में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। 15 जुलाई को यूपी के वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को जहां चुनावी शंखनाद के रूप में देखा जा रहा था, वहीं उसके अगले ही दिन यानी 16 जुलाई को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंच गईं, जिसने प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मियों को और बढ़ा दिया। वहीं अब तक सुस्त पड़ी बहुजन समाज पार्टी भी आज अचानक चुस्त हो गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2022 के नए सियासी चौसर पर अपना पुराना आजमाया हुआ पासा एक बार फिर फेंक दिया है। मायावती ने चुनावों से पहले ब्राह्मणों को फिर से अपने पाले में करने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन का ऐलान किया है। मायावती ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के बहकावे में आ गए और एक तरफा वोट देकर पूरे 5 साल के लिए इनकी सरकार बनवाई, मगर आज यही समाज सबसे ज्यादा दुखी है। भाजपा से प्रोमो ने कहा कि भाजपा सरकार की खराब कानून व्यवस्था और जातिगत धार्मिक द्वेष की भावना से होने वाला शोषण उत्पीड़न किसी से छिपा नहीं है। खासकर ब्राह्मण समाज इस सरकार में ज्यादा दुखी है। इसी का एहसास कराने और इनकी धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर उनके निर्देश पर पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा 23 जुलाई से अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। इसका मकसद वर्ष 2007 की तरह ब्राह्मणों को फिर से बसपा में जोड़ना है। मायावती ने आगे कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि यूपी का ब्राह्मण समाज अपने मान सम्मान व सुरक्षा और तरक्की के लिए फिर से बसपा से जुड़ेगा और एक बार फिर से उनकी सरकार बनवाएगा। आपको बता दें कि बीएसपी का यह ब्राह्मण सम्मेलन 2007 के चुनावी अभियान के तर्ज पर होगा। जिला स्तर पर आयोजित होने वाले इस सम्मेलन की अगुवाई सतीश चंद्र मिश्रा करेंगे। सम्मेलन की शुरुआत 23 जुलाई को अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद होगी। पहला चरण 23 जुलाई से 29 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान 6 जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। दरअसल बसपा अपने 2007 के सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले को फिर से आजमाना चाह रही है। इन चुनावों में मायावती की सोशल इंजीनियरिंग में दलित, ओबीसी, ब्राह्मण और मुसलमान सबको साथ मिलाया गया था, जिसका जबरदस्त फायदा भी मिला और मायावती 30% वोट के साथ यूपी की 403 में से 206 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की और पूर्ण बहुमत के साथ यूपी की सत्ता में विराजमान हुई। अब 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर तैयार मायावती की इस सोशल इंजीनियरिंग में दलित, ओबीसी और ब्राह्मण हैं, जिनके सहारे वो एक बार फिर से 2007 का इतिहास दोहराना चाह रही हैं। 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए सियासी दलों ने हालांकि अभी अपने पूरे पत्ते नहीं खोले हैं, मगर चुनाव पूर्व होने वाले सियासी गठबंधन की बात करें तो मायावती पहले ही इस बात को साफ कर चुकी हैं कि उनकी पार्टी किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले जब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ बसपा के गठबंधन की चर्चा तेज होने लगी, तो मायावती ने ट्वीट कर साफ कर दिया कि पंजाब को छोड़कर
यूपी और उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन नहीं करेगी, यानी कि साफ है कि बसपा 2022 का चुनाव अकेले लड़ने की मूड में है। फिलहाल ये साफ हो गया कि बसपा अकेले ही चुनावी समर में उतरेगी। वहीं सपा और कांग्रेस ने अभी तक किसी भी तरह के बड़े महागठबंधन से भले ही इनकार किया हो, मगर छोटी पार्टियों से गठबंधन की बात सभी कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने भी इस बात के संकेत उस वक्त दिए जब इस सवाल के कि क्या कांग्रेस गठबंधन करेगी या अकेली चुनाव में उतरेगी, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम क्लोज माइंडेड नहीं हैं, पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, आने वाली परिस्थितियों के मुताबिक फैसला लिया जाएगा। खैर, यूपी में अगले साल चुनाव होने हैं, लिहाजा सियासी पारा चढ़ना तो लाजमी है। ये तो महज शुरुआत है, अभी देखते जाइए इस सियासी समर में कितने मोड़ अभी आने बाकी हैं। और हाँ, इन चुनावों को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि यूपी के चुनाव के महज 2 साल बाद यानी 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। कहते हैं कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा ये यूपी तय करता है, तो निगाह जमाए रहिए, क्योंकि 2022 में जो भी परिणाम आएगा वो ये तय कर देगा कि 2024 में दिल्ली किसके कब्जे में आएगी। तो ये था यूपी के अब तक का ताज़ा सियासी समीकरण, ताज़ा हालात। अभी जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे, वैसे वैसे और राजनीतिक समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे, कुछ गठबंधन होंगे, कुछ गठबंधन टूटेंगे। लेकिन पिछले चुनावों से सबक लेते हुए इस बार पार्टियां बड़े गठबंधन से बचेंगी और बच रही भी हैं, लिहाजा छोटे जो राजनीतिक दल हैं उनका महत्व बढ़ेगा। अब आगे क्या क्या हो गए यूपी की इस सियासत में, हम उसको आपको ताज़ा अपडेट देते रहेंगे। आज का ये विश्लेषण कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।